नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से बीएसटी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए सीएचईएन 120 का गैसेस स्टेट का चार्ट लॉ लेके आई हूं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ व्हाट आर बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ हम किसे कहते हैं। वैसे भी आपको ये मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि किसी भी आइडियल गैस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें तीन लॉ की बहुत जरूरत होती है। एक होता है बॉयल्स लॉ, दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, तीसरा होता है एवोगाड्रो लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन अबाउट बॉयल्स लॉ एंड द सेकंड लॉ इज द चार्ल्स लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या था? दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस लॉ को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी कि इसमें जो रिलेशनशिप होगा टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ। तो इसका मतलब ये साफ क्लियर हो रहा है, तो दिस लॉ इज टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, सो दैट लॉ इज टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट प्रेशर। इसके साथ होगा कॉन्स्टेंट, हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे, हमारे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और वॉल्यूम। हमारे पास तीन कंपोनेंट होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, और हम कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप है, तो दैट मीन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट। तो देखिए क्या होता है चार्ल्स लॉ। फ्रेंच फिजिक्स जैक्स चार्ल्स 1746 to 1823 studied the effect of temperature on the volume of the gas at constant pressure. क्या 17वीं शताब्दी का ये लॉ है जो किस पर किया था, जो किसने डिस्कस किया था? जैक्स चार्ल्स ने कहा था कि the effect of temperature on the volume of a gas, temperature और volume का gas पर क्या effect पड़ता है जब constant क्या होता है? Pressure होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कॉन्स्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, इस लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारा प्रेशर क्या है? कॉन्स्टेंट है। ठीक है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, द फिक्स्ड वॉल्यूम एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड मास ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैंने लिखवाया है इसमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक टेम्परेचर होता है, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है उसको आप 273 ऐड करके स्टैंडर्ड टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन में कन्वर्ट जाएगा और उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, द टेम्परेचर एट ए केल्विन स्केल, मैंने आपको बोला टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन स्केल में होगा, और उसको केल्विन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 273 ऐड करोगे। तो मैथमेटिकली तो चार्ल्स लॉ इज एक्सप्रेस एज, क्या एक्सप्रेस करा? देखिए, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, वी किसके प्रोपोर्शनल है? टी के, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एट ए गिवन मास ऑफ ए गैस, गिवन जो भी गैस का मास है उस पर जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। V इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? टी के। या कह सकते हो V इज इक्वल टू के टी, कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करा तो क्या लगा दिया? प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करा, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहां हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन टी इज इक्वल टू किसके? के के। V अपॉन टी किसके ऊपर लिखा जा सकता है? के के ऊपर लिखा जा सकता है। ये हमारा क्या है? इसको बनता है चार्ल्स लॉ पर डिपेंड करता है। दैट मींस V इज प्रोपोर्शनल टू टी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, एट दिस टाइम टी इज द कांस्टेंट, सो V अपॉन टी इज इक्वल टू के। दिस लॉ इज नोन एज द चार्ल्स लॉ। इस लॉ को हम करेंगे चार्ल्स लॉ के नाम से जानेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि चार्ल्स लॉ केवल एक ही कंपोनेंट पे चलता है, दो या दो से अधिक गैसेस प्रेजेंट हो तो उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक, तो देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के एक कंटेनर में दो या दो से अधिक गैसेस प्रेजेंट है, और तो चार्ल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? देखिए, इफ V1 इज द वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ ए गैस, अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या है? V1 है। V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द सर्टेन मास ऑफ ए गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज T1। जब किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर V1 है तो उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा? आपका T1 होगा। ये मान के चलेंगे उसका टेम्परेचर क्या है? T1 है। एंड ए पर्टिकुलर प्रेशर, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, ये तो आपको क्लियर कर दिया कि P क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। जब हम आइडियल, जब हम चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे पास P हमेशा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। एंड द वॉल्यूम इज V2 एंड द सेम ऑफ द सेम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर इज T2। उसी गैस का V2 इज द वॉल्यूम ऑफ द सेम ऑफ द गैस एट द टेम्परेचर T2। जिस गैस का वॉल्यूम V2 है उसका टेम्परेचर कितना है? T2 है। तो कहना मतलब अगर कोई गैस V1 वाली गैस कोई गैस है उसका टेम्परेचर कितना है? T1 है, जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है। कोई V2 वाली गैस है उसका टेम्परेचर कितना है? जब प्रेशर कॉन्स्टेंट है। क्योंकि हमें ये याद रखना है कि किस लॉ में क्या चीज कॉन्स्टेंट होती है, हमें ये हमेशा याद रखना है कि चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए
प्रेशर को हमें क्या रखना है, कॉन्स्टेंट रखना है। तो हमारा पहला वी वन वॉल्यूम पर टेम्परेचर कितना है, टी वन है, और वी टू वॉल्यूम पर टेम्परेचर कितना है, टी टू है। तो इसका मतलब हमें यह रखना है कि वी वन टेम्परेचर हमारा प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है। हमारा प्रेशर क्या हो गया आपका, कॉन्स्टेंट, ठीक। सो दैट इज वी वन वॉल्यूम। सो एट दिस टाइम वी अप्लाई द चार्ज फॉर द टाइम लॉ इज वी वन इज प्रोपोर्शनल टू टी वन। अगर हम चार्ज लॉ को अप्लाई करते हैं और उसका वॉल्यूम वी वन है तो एट दिस टाइम इस टेम्परेचर इज टी वन, ठीक है। ये वैल्यू हो गया। सो वी वन इज इक्वल टू व्हाट, के टी वन। दिस इज इक्वेशन वन, सपोज हम इसको इक्वेशन वन मान लें। सेम वे इफ जब वॉल्यूम वी टू है, वी टू मास की गैस है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, टी टू हो गया। सो वी टू इज इक्वल टू कितना हो गया, के टी टू हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर टू, हम इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, टू मान लेते हैं। इक्वेशन वन इज डिवाइडेड बाय टू, या इक्वेशन टू इज डिवाइडेड बाय वन। आप कुछ भी कर लीजिए, इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर लीजिए। वी फाइंड वी टू ओवर वी वन इज इक्वल टू क्या हो गया, के टू के अपॉन के, दिस इज व्हाट, टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। के से के कट गया। सो वी फाइंड आउट क्या, वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। या कह सकते हो वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, जो हमने आपको शो कर रखा है। So that is the charge flow. ये क्या इंडिकेट करता है, charge flow का इंडिकेट करता है। क्या ये कहता है, V is proportional to T when pressure is constant. This is known as charge flow when two or more different gases are present in a given condition. ठीक, अगर दो ऐसे दर्शनी गैसे प्रेजेंट है गिवन कंडीशन में तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब किसी भी लॉ को, ये हमारा charge flow हो गया, अब किसी भी लॉ को तब तक एक्सप्रेस करने से के लिए हमें ग्राफ की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी आता है एग्जाम में, और ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द चार्ज लॉ या दिस इज द बॉयज लॉ। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर, आपको ये तो क्लियर है कि हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट होने पर हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाइड होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाइड होगा, चार्ज लॉ होगा, ठीक है। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसके बीच में ग्राफ बनाना, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम और वर्सेस टेम्परेचर, ये हो गया आपका टेम्परेचर और ये हो गया वॉल्यूम, के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। और जब हमारा पी इक्वल टू क्या है, पी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें रटने की जरूरत नहीं है, या हमें खाली चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे समझ जाएंगे कैसे, देखिए ये ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ ड्रॉ हो रहा है, आप देखते हो कोई ग्राफ नीचे को हो रहा है, कोई साइड को हो रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या है कि अगर मान के चलिए वॉल्यूम 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 लीटर है, वॉल्यूम 5 लीटर है, ऐसे अगर टेम्परेचर आपका 10 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, इस तरह से हमारा टेम्परेचर रेगुलरली एक्स एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है। और हमें पता है, वेल नोन है, हमारे पास बी प्रोपोर्शनल टू किसके है, टी के है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो सपोज मान के चले वॉल्यूम वी वन पर टेम्परेचर कितना होगा, टी वन है, तो दिस इज द वॉल्यूम वी वन और टेम्परेचर क्या होगा, टी वन, ठीक है। वॉल्यूम वी टू पर टेम्परेचर कितना है, टी टू है, तो दिस इज द वॉल्यूम वी, ठीक है। और वॉल्यूम थ्री पर टेम्परेचर कितना है, 30 है, तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। वॉल्यूम फोर पर टेम्परेचर कितना है, 40 है, तो दिस इज द पॉइंट, एंड वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। हम देख रहे हैं जब हम पॉइंट को टच कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जो कि हमारे ग्राफ में साफ इंडिकेट हो रहा है। जबकि प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट, हमने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा है, ये वॉल्यूम वाई एक्सेस में वॉल्यूम है, एक्स एक्सेस में टेम्परेचर है, तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग आपको बताया, वॉल्यूम वन हुआ तो टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम टू हुआ टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम थ्री हुआ टेम्परेचर भी बढ़ा, वॉल्यूम फोर हुआ टेम्परेचर बढ़ा। और आपको हमने देखा जब हम पॉइंटों को टच करा तो हमें मिली एक स्ट्रेट लाइन ऑप्टिमम। तो यह हमें इंडिकेट करता है कि चार्ज लॉ किस तरह से हमारा वेरी करता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ग्राफ के बेसिस हम चार्ज लॉ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था आपका चार्ज लॉ, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन का एक पार्ट था। इसके बाद हम चार्ज लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बॉयज लॉ पढ़ाया था, फिर बताया कि बॉयज लॉ के बाद उसके न्यूमेरिकल को कैसे फेस आउट करोगे। तो बॉयज लॉ के बाद उसके न्यूमेरिकल फेस आउट उसके फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे, तो कैसे अप्लाई किए जाते हैं वो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट आपका पार्ट 6 में एक्सप्लेन किया जाएगा चार्ज लॉ और उसको बेस्ड न्यूमेरिकल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।